मैं अपने पिताश्री को कभी देखा भी नहीं हूँ माँ, मैं नाम कैसे जानूंगा माँ? क्या तुमको पिताजी का नाम मालूम नहीं है? और तुम्हारी माँ अकेली जंगल में रहा करती थी? बताइए आप लोग बताइए, ये इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसको बाप का नाम पता नहीं है, क्यों नहीं है पता? आज तक तुम्हारी माँ नहीं बताई है? नहीं बताइए। तुम अपने माँ से नहीं पूछे हो? नहीं। मैं समझ गई, इससे ये साबित होती है इसकी माँ अकेली जंगल में रहा करती थी। आइए 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 आइए, आप हैं छोटी डुमरा से सनोज ऋषि देव, आप हैं भाई छोटी डुमरा से सनोज ऋषि देव, उनके तरफ से इन बच्चे को मार बचाने के लिए यानी 31 रुपए की पुरस्कार आए हैं, अपने कंपनी की ओर से लाख लाख धन्यवाद। हे भारे भारे पी पतिया तू इस लड़के को पहचानते हो? इस बच्चे को हम नहीं पहचानते हैं। ये मेरा बेटा जो है उत्तम, उत्तम उसका मित्र है। आओ तो इस बच्चे ने उत्तम से दोस्ती कर लिया है। महारानी जी जरा आप अपने उत्तम को देखिए और इस बच्चे को देखिए, तुम ही सोचो। लेकिन ये बच्चे कहाँ के हैं? ये जंगल में रहता है। और जंगल में रहते हैं? हाँ। जंगल में इनके साथ कौन सब है? इसकी माँ रहती है। और माँ रहती है और कोई नहीं, और कोई नहीं है। पता नहीं महारानी जी इसके पिताजी का क्या नाम है? इसको नहीं है पता। और इसको पिताजी का नाम मालूम नहीं है? बिल्कुल मालूम नहीं। जरा आप इस राज की राज माता है, जरा आपने गौर से सोचिए। वही तो मैं सोच रही हूँ। जो बच्चे अपने पिता का नाम नहीं जानता है वो एक राजकुमार से दोस्ती क्या है? शायद महारानी जी आपको मालूम नहीं है ये उत्तम से दोस्ती किस लिए क्या है? किस लिए किया है? अपने राज में बहुत धन दौलत है, ये उत्तम के साथ बार बार आएंगे, ये उत्तम के साथ चोरी करना चालू कर देंगे। और जिस तरह से ये है उस तरह से मेरे बेटे को बना देंगे, उत्तम को खराब कर देंगे। इसलिए महारानी जी इस बच्चे के बारे में आपने खुद कुछ सोचिए। मंत्री अब तुम ही सोचो, तुम ही बताओ कि ये इस लड़के का, ये जो लड़का है ये अपने बाप का नाम नहीं जानता। नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल से इसकी माँ अकेली जंगल में रहा करती थी। हाँ। ना जाने इसके माँ के पास कितने मर्द लोग आता होगा, कितने मर्द लोग जाता होगा। इससे ये साबित होती है कि ये एक नाजायज औलाद है, ये एक हरामी है। और इसकी माँ जो है वो रंडी बेसिया है।
मेरी माँ तो एक गंगा कत्र पवित्र जुलूम करा लग नहीं हाँ। कौन छोड़ो हम जुलूम कर रहे हैं और आइए साथ ही साथ आप शानदार सा पुरस्कार देने आपने सोच लिया क्या सोचे हैं? अच्छा ये बताओ हरिया जल्लाद को देखे हो? हाँ देखे हैं। कहाँ पे है? नहरवा के नीचे में। वहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ बच्चा चिबा रहा है। बच्चे को चिबा रहा है? हम बगले बगल भागते गए। उस हरिया जल्लाद को अपने दरबार में बुलाओ। इस बच्चे को अपने हत्या करवाना चाहते हैं? इस बच्चे को मैं हत्या करवाऊंगी जल्लाद। अभी हम जल्लाद को आवाज ला रहे हैं। जल्द बुलाओ। ए बजावला जल्द भाग आवाज लगवे छियो की करबो काल मर रहा मुझे कौन हुड़का रहा था? ये बहन छेड़ा है नहीं ये दल के ले। हाँ। अभी अभी आप कहाँ पे थे हो? अभी हम बच्चा खा रहे थे। और बच्चे खा रहे थे? हाँ। आप कितना दिन से भूखे इतना चिल्ला रहे हैं? चार दिन से भूखा हो। चार दिन से? हाँ। आपका भोजन क्या है? मेरा भोजन बेटा है बाबू बाबू मेरा भोजन है 90 भैंसा खाता हूँ 90 भैंसा और 75 बोतल दारू पीता हूँ। जल्लाद जी हम 90 भैंसे का भोजन नहीं दे पाएंगे। क्या तेरा हल्का भोजन बताइए। हल्का भोजन झाल मुड़ी खाइएगा है हल्का भोजन हमरा मारता मारता गड़बड़ा इसमें से हाँ इसमें से खिच्चा खिच्चा हाँ 40 बच्चे चाहिए 40 बच्चे हाँ आप जाइए बच्चे का गिनती कीजिए शुरू कीजिए देखो छोरवा पादलाए भाग अरे अरे नहीं पादियो यहाँ यो छोरवा पाद है जो कहना पर हो। जल्लाद जी इस गांव में बच्चा भागते हुए बच्चे की संख्या बिल्कुल कम है बिल्कुल कम है। अगर इस समय आप बच्चे का भोजन करना चाहते हैं हाँ। इस राज की राज माता से मिलिए और महारानी जी के हाथों में आपका भोजन बिल्कुल तैयार है। क्या महारानी जी के हाथों में मेरा भोजन है? हाँ बेटा बाबू 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 चल पीछे हट। महारानी जी जल्लाद बेटा से मिलिए। महारानी की जय हो। जय हो। महारानी जी अपने दरबार में मुझे किस लिए याद किए हैं? मैंने तुमको इसलिए याद की हूँ इसलिए लुटेला लुटेला जल्लाद हाँ। आज तुमको एक बच्चे को कत्ल करना है। एक बच्चे को? एक बच्चे को कत्ल करने में कितना रुपया लेते हो? 1,00,000 रुपया लेता हूँ। 1,00,000? हाँ। बाप देखला जो 1,00,000
जल्लाद उस बच्चे को ले जाओ घनाघोर जंगल में, उसे कत्ल कर देना। ठीक है बच्चा, मेरे हवाले से मार देना। बच्चा मेरे हवाले कीजिए, मैं अभी हवाले करता हूं। बच्चा मेरे हवाले कीजिए, याद रहे ये लड़का जिंदा नहीं रहना चाहिए। ठीक है महाराणी जी, जिंदा रहेगा। ए जल्लाद जी, जल्लाद बेटा, बाबू 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 बेटा कैसे फुचियावे जी नहीं है। जल्लाद बाबू कहना है तो बाबू, अगर बाबू छह कभी बेटा कहा नीचे का चाप ऊपर, ऊपर ऊपर का चाप बसी दे रहे। जल्लाद जी इस बच्चे को इस राज के राजमाता ने आपके हवाले कर चुके हैं। अगर इस समय आप बच्चे का हत्या करना चाहते हैं, बच्चे को यहाँ से ले जाइए, ले जाइए जंगल, ले चल ले जाकर के हत्या कीजिए। ये राज दरबार है, यहाँ बच्चे का हत्या नहीं होना चाहिए। ठीक है मैं जंगल का ले जाऊंगे। साइड साइड अगर चलेगा चाहे मुंह कान में लग जाएगा। चलिए साइड हो ए बच्चे, अब तुम मेरे साथ जंगल की ओर चलो। बच्चे ए बताओ ऐसा कौन सा गलती किया जो जल्लाद को चंगुर में देख गया। ऐसा गलती कोई नहीं किया था जो आपके चरणों में मुझे हवाले कर दी। जल्लाद ऐसा कोई गलती नहीं किया था, नहीं तुम तो जरूर किया होगा गलती। क्या बोला बच्चे से, इस समय आप गलती पूछ रहे हैं। बच्चा का गलती हम देखे हैं। क्या बच्चा ने गलती कुछ नहीं किया है। क्या क्या गलती रास्ते में कर दिया। क्या लादे के बगल में झरा फिर दिया। अरे तोरा चल पीछे बताओ बताओ ऐसा कौन सा गलती किया था। जल्लाद बाबू मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया था। जल्लाद बाबू क्या जल्लाद जी तेरा गुस्सा शांत कीजिए, आगे आइए। क्या इस समय आपने बच्चे को इतना मारपीट कर रहे हैं, इस बच्चे का हत्या करने के लिए आपने कितना रुपया लिए हैं। 1,00,000 रुपया लिया हो। 1,00,000 छिंदराग बाबू तोरा को हम सरकारी लाइन में करंटे लगा देवे देखेगा।